सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सुप्रभात मैम, अच्छे हैं। तो आज का अध्याय शुरू करने से पहले हम आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे, जिसका उत्तर आप लोग दीजिएगा। तो बताइए, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रधानमंत्री को चुनने का अधिकार किसे है? प्रधानमंत्री को चुनने का अधिकार जनता को है। जनता द्वारा चुनी गई सरकार को क्या कहते हैं? जनता द्वारा चुनी गई सरकार को लोकतांत्रिक कहते हैं। तो आज का हमारा प्रकरण है लोकतंत्र में सत्ता की भागीदारी। जिसमें हम सामाजिक विवेक के बारे में पढ़ेंगे। प्रत्येक समाज में विभिन्न धर्म, जाति, संप्रदाय तथा क्षेत्र के लोग रहते हैं। इन सबों के कारण स्वभावतः उनमें सामाजिक विभेद बना रहता है। सामाजिक विभेद मुख्यतः जन्म को माना गया है। प्रत्येक समाज में सामाजिक विभेद वहां रहने वाले लोगों की विविधता के कारण होती है। जैसे हमारे आसपास रहने वाले लोग, वो विभिन्न धर्म के, विभिन्न जाति के, विभिन्न संप्रदाय के या क्षेत्र के हो सकते हैं। उनके बोलने की भाषा, उनका खाना खाने की पसंद, उनका रहन सहन, रीति रिवाज, सांस्कृतिक धर्म कार्य, वो हमसे अलग हो सकता है। कहा जाता है कि सामाजिक विभेद मुख्य रूप से जन्म से होता है। तो जब कोई व्यक्ति किसी परिवार में जन्म लेता है, तो उस परिवार विशेष का किसी न किसी जाति से, धर्म से, क्षेत्र से, भाषा तथा संप्रदाय से संबंध होता है। इस कारण वह व्यक्ति उसी धर्म, उसी जाति, उसी क्षेत्र, भाषा तथा संप्रदाय का बनकर रह जाता है। सामाजिक विभेद के व्यक्तिगत कारण भी हो सकते हैं। सामाजिक विभेद के व्यक्तिगत कारण लिंग, नस्ल, रंग तथा धन को माना गया है। लिंग, नस्ल, रंग तथा धन, ये सब सामाजिक विभेद के व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं, क्योंकि सामाजिक विभेद में विभिन्नताएं देखी जाती। लिंग में स्त्री पुरुष, नस्ल में लंबे छोटे, नाटे मोटे, रंग में काला गोरा, धन में उच्च वर्ग के लोग, निम्न वर्ग के लोग सम्मिलित होते हैं, जिस कारण उनमें विभिन्नताएं पाई जाती, जो समाज में विभेद का एक रूप ले लेता है। सामाजिक विभेद व्यक्तिगत कारणों में भी स्थापित हो सकता है। सामाजिक विभेद सामाजिक संबंध का भी एक रूप है। परंपराओं से हटकर, संस्कृतियों को छोड़कर व्यक्ति अलग धर्म, अलग अध्ययन कर और अलग समुदाय का निर्माण तथा उद्योग धंधे में लग रहे हैं। अच्छा बच्चों, बताइए कि सामाजिक भी फूट डालो शासन करो की नीति किसकी थी? ब्रिटिश शासन की। और सामाजिक विभेद का कोई एक कारण बताएं? भाषा। बिल्कुल सही। तो आज हम लोगों ने लोकतंत्र में सत्ता की भागीदारी, जिसमें सामाजिक विभेद, जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा तथा संप्रदाय, लिंग, नस्ल, रंग तथा धन को पढ़ा है। बताइए सामाजिक विभेद क्या है? हमारे आसपास रहने वाले विभिन्न लोगों की विभिन्नता है। सामाजिक विभेद के मुख्य कारण क्या है? भाषा, जाति, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्र। बिल्कुल सही। तो आप लोग अपने अपने उत्तर पुस्तिका में ग्रीक आर लिख ले। भारत के विभिन्न चुनाव चिन्हों को अपनी उत्तर पुस्तिका में चित्रों द्वारा दर्शाएं। भारत के विभिन्न चुनाव चिन्हों को अपनी उत्तर पुस्तिका में चित्रों द्वारा दर्शाएं।